हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मूली का लच्छा सलाद। बेसिकली ये नॉर्थ इंडियन रेसिपी है, बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाती है। इसको आप किसी भी इंडियन स्टाइल मील के साथ सर्व कर सकते हैं। तो मैंने एक मूली ली है, मूली छोटी और पतली ना लें, थोड़ी मोटी सी मूली लें, ग्रेट करने में आसानी रहती है। अब इसके लिए लगेगा हमें हल्दी पाउडर, नमक, आधा टमाटर, आधा नींबू और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो इसके हम दोनों किनारे काट लेंगे। इसको मैंने बहुत अच्छे से धो लिया था मूली को, अब हम इसको छील लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इस तरह से इसको हमने छील लिया है, अब हम इसको ग्रेटर की सहायता से ग्रेट करेंगे। ये सैलेड वैसे काफ़ी टेस्टी रहता है। इसमें ज़रा एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जब आप खाएं तभी इसमें नमक मिलाएं। अगर आप नमक मिला के पहले से रख देंगे तो मूली पानी छोड़ देती है, और या फिर नमक लगाकर मूली को रख दें थोड़ी देर, उसका पानी निचोड़ के फिर सारा सामान मिलाएं। तो इस तरह से हम पूरा ग्रेट कर लेंगे इसको। तो ये ग्रेट हो चुकी है। अब हम इसमें टमाटर काट के डालेंगे, बारीक बारीक टमाटर काट के डालना है। मूली के साथ टमाटर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से हम पूरा बारीक बारीक टमाटर को कट कर लेते हैं। अगर आपको टमाटर नहीं पसंद है तो आप खाली मूली का भी सैलेड बना सकते हैं। तो टमाटर मैंने पूरा कट कर लिया है, अब हम इसे मिक्स करेंगे। और फिर हम इसमें मिलाएंगे नींबू का रस, आधा नींबू, नमक। क्योंकि हम अभी यूज़ करेंगे ये सैलेड, इसलिए मैंने नमक मिलाया है। स्वाद के अनुसार नमक मिलाइए। मैंने आधा छोटी चम्मच नमक डाला है इसमें, एक पिंच हल्दी। इसमें अभी कलर नहीं दिख रहा है, थोड़ी देर बाद एक पिंच हल्दी बहुत बड़ा काम कर जाएगी, वो लेमन येलो कलर देगी इसको। और आपको अगर नहीं चाहिए तो आप स्किप कर सकते हैं हल्दी। और इसमें डालेंगे हम हरा धनिया, आप चाहें तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। तो ये सलाद बनके रेडी हो गया है। तो अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।